हेलो फ्रेंड, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, कैसे कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए, तो इसके लिए फ्रेंड आपको पहले अपने प्ले स्टोर पर जाकर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसा कि आरोग्य सेतु ऐप दिख रहा है, हमने आरोग्य सेतु ऐप बहुत पहले ही डाउनलोड कर लिया है, जिसे आप ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इससे परिचित होंगे। आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप में क्लिक करने के बाद, आप उसमें जाने के बाद आप अपना नंबर लॉग इन करेंगे, फिर ओटीपी जैसा आएगा। फिर यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन पर क्लिक करना होगा। वैक्सीनेशन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना इसमें मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे मोबाइल नंबर डालने के बाद, इसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें सबमिट करने होगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको दिया जाएगा कि अपना आईडी कार्ड, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं आधार कार्ड, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट यहाँ पर किया है, आधार कार्ड यहाँ पर। फिर अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसमें आधार कार्ड, उससे रिलेटेड आपका जो नाम है वो डालना होगा आपको। फिर ये इसमें आप एक ही गलती करते हैं, इसमें ईयर्स ऑफ बर्थ डालना, वर्ष किस वर्ष में आपका हुआ है। या आपको यह कंडीशन याद रहना चाहिए कि आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप अप्लीकेबल होंगे। जैसे हम डाल दे रहे हैं 1961 बाय द वे। तो फिर सबमिट कर दिया जैसे हमने, तो आपका यहाँ पर शेड्यूल दिख गया। तो इसमें आप देखेंगे आपका हो गया। फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, शेड्यूल फॉर वैक्सीनेशन आपको दिखेगा। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे, उस हिसाब से आपको शो होगा। जैसे मैं अपना पिन कोड यहाँ पर डाल रहा हूँ तो मुझे बताएगा कि कितना है आपका। यहाँ पर सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर ये हमारा दे दिया इतना। इसी में से जो हम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको चेक अवेलेबिलिटी करेंगे, फिर आपको समय मिलेगा, उस डेट पर आपको जाकर